हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल पहली वीडियो से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम कितने क्वेश्चन अभी तक 225 क्वेश्चन करीब कर चुके हैं, और हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि इन ए कंपनी विद 100 एम्प्लॉयज 45 अर्न्स रुपीज 20,000 पर मंथ, 25 अर्न्स 30,000, एंड 20 अर्न्स 40,000, 8 अंश रुपीज 60,000, 2 अंश 1,50,000 मीडियन ऑफ सैलरीज। देखो मीडियन क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास वैल्यूज हैं उसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तो जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है बिल्कुल मिडल वाले की कितनी सैलरी है ना। अगर देखा जाए 100 लोग हैं, ठीक है, 100 वाले में तो एक मिडल नहीं आएगा। अगर जो जितने भी हमारे पास नंबर है, अगर इवन है, तो यहाँ पे दो मिडल आएंगे, जैसे 1 से लेके 100। अगर हम देखें यहाँ पे 50 और 51, ठीक है, बिल्कुल मिडल में दो लोग होंगे, तो जो मीडियन आएगा इन दोनों की सैलरी का एवरेज होएगा, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो सबसे पहले क्या है, सबसे मिनिमम सैलरी है 20,000। 20,000 सैलरी कितने लोगों की है, एक से लेके 45, 45 लोगों की 20,000 सैलरी है ना। तो 45 बार क्या लिखेंगे हम, 20,000। अगर देखा जाए 45 बार 20,000, फिर 25 बार 30,000, फिर 20 बार 40,000, फिर 8 बार 60,000, ऐसे करके, ठीक है। फिर बिल्कुल मिडल में देखो आगे क्या है, 25 लोगों की 30,000 सैलरी है, तो इसके बाद 25 लोग होंगे। अब देखो 50, 50 और 51, ये दोनों इसी रेंज में आ जाएंगे, दोनों की सैलरी कितनी होगी, 30,000, ठीक है। अब ये है मीडियन, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2, 30,000 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मीडियन का मतलब है आप जितनी वैल्यूज आपके पास आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, और बिल्कुल जो मिडल वाली, अगर ऑड होता, ऑड के केस में एक मिडल वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1, 2, 3 है, उसमें मिडल क्या हो गया, 2। ऑड है, जैसे 1, 2, 3, 4 चार बंदे हैं, तो उसमें मिडल क्या हो गया, 2 और 3, तो 2 और 3 का एवरेज, ठीक है, सेकेंड और थर्ड वैल्यू का एवरेज होगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द मिसिंग डिजिट इन द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम बिलो, है ना, हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो जो सब्ट्रैक्ट और क्या आ रहा है, वो 1, 1, 1, 1 है, तो जीरो में से ही हो, यहाँ तो जीरो ही होगा ऑब्वियसली, जीरो में से 9 गया, मतलब जीरो, इसने एक 1 लिया होगा यहाँ से, ठीक है, तो 10 में से 9 गया, 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, बट 1 इसने लिया होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ डिजिट नहीं पता हमें, यहाँ पे सपोज करो अगर जीरो हुआ, मैं सपोज करूंगा मिनिमम ले रहा हूँ जीरो, ठीक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है, बट 1 1 इसने लिया होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, ठीक है। अब यहां से 200 में से 89 के 1 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 111 ये आ गया, अब 1 1 बचा, तो यहाँ पे अगर 9 होगा तो ये 1 आ गया, बट 5 में से 4 कम कर रहे हैं, तो 1 1 और होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, मैंने 0 गलत लिया है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मतलब 5 भी 1 अपना 1 जो है कैरी दे देगा आगे, ठीक है, 5 आगे कैरी देगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, सपोज करो यहाँ पे अगर 8 है, तो हो सकता है यहाँ पे 9 और ऐसे, ये सही बन रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब मिसिंग डिजिट जो है उनका सम कितना होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। बट इसमें ये भी तो हो सकता है कि यहाँ 8 के अलावा अगर 9 हो और यहाँ पे 1 हो, तब भी तो ये सब्ट्रैक्शन 1 1 1 ही आएगा, तो ये क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9, तब आ रहा है 10, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर आपको वैसे करना है, देखो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो 1 1 1 1 आया, तो मतलब 4 8 - 9 9 प्लस 1 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 - - - - ठीक है। अब देखो मिनिमम जो है यहाँ पे 8 तो आना ही चाहिए,
तभी जाके कितना बनेगा, 5,000, 50,000 सॉरी, है ना। कि अगर मुझे पहला डिजिट 5 चाहिए यहाँ पे, तो मिनिमम यहाँ पे 8 तो चाहिए चाहिए मुझे, ठीक है। 8 से ज्यादा भी चल सकता है कि 9 आ जाए, तब ये बनेगा 50100, ठीक है। ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पे 8 से कम आएगा तो 111 जोड़ने से यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि लेट S1 बी द प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई गिवन बाय द इनक्वालिटीज मोड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू एंड मोड ऑफ वाई प्लस टू लेस देन इक्वल टू थ्री। एक प्लेन है S, जो फिगर बना अपने पास, S2 जो है बी द प्लेन फिगर गिवन बाय इनक्वालिटीज एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन थ्री। S बी द यूनियन ऑफ S1 एंड S2, यूनियन लिखा है, ठीक है, मतलब दोनों का टोटल एरिया, अगर इंटरसेक्शन ले जाता तो कॉमन। द एरिया ऑफ S इज, सबसे पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। यस, इसका हम एक्स और वाई का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, इनइक्वालिटीज की ये मोड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू, मोड में खोलूंगा तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू लेस देन टू, है ना। तो वन दोनों साइड प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन थ्री, तो एक्स की वैल्यू हो सकती है माइनस वन से थ्री के बीच में, ठीक है। और सेम अगर मैं वाई वाला देखूं, वाई प्लस टू मोड जो है लेस देन इक्वल टू थ्री, मीन्स वाई प्लस टू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री और लेस देन थ्री, दोनों साइड माइनस टू कर दूंगा तो माइनस फाइव से लेके वाई जो आ जाएगा वन तक, ठीक है। तो मतलब जो S प्लेन है, S1 प्लेन है, उसमें X की वैल्यू है माइनस वन से थ्री के बीच में, Y की वैल्यू आएगी माइनस फाइव से वन के बीच में, ठीक है। तो देखो X की वैल्यू माइनस वन से थ्री के बीच में, अगर माइनस वन यहाँ पे, वन टू थ्री, माइनस थ्री यहाँ पे, और Y की वैल्यू जो है माइनस फाइव से, माइनस फाइव आएगा वन टू थ्री, और एक्सटेंड कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस फाइव, ठीक है, माइनस फाइव से वन के बीच में। तो हमारा जो प्लेन बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा कुछ। ये प्लेन बन गया मेरा S1। सेकेंड प्लेन की क्या बात कर रहा है कि उसमें एक्स माइनस वाई जो लाइन है, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन टू, इसका मतलब ये लाइन क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन वाली इनक्वालिटी आती है, पहले तो हम लाइन बनाएंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू चाहिए मुझे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू सॉरी माइनस टू। अगर वाई इक्वल टू जीरो है तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टू, तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू टू आ जाएगा, मतलब ये वाला, तो ये वाला लाइन बन जाएगी ऐसे। अब ये पॉइंट माइनस वन माइनस वन, ये पॉइंट यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब देखना हमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसके लिए चेक करने की क्या जरूरत है कि इसमें दो चीज है, या तो ये वाला एरिया होगा इसे इनक्वालिटी का, ये वाला, तो क्या करना है, सिंपली ओरिजिन देख लो, ओरिजिन जीरो जीरो है, जीरो जीरो पुट करके देख लो, जीरो माइनस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, है ना, हाँ यस, जीरो माइनस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू मीन्स जीरो ग्रेटर देन माइनस टू, तो जीरो जीरो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इसका ये वाला एरिया होगा, ठीक है S2 के लिए।
और एस टू में और भी चीजें हैं, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता। एस टू में और क्या चीजें हैं, एस टू में और बोल रहा है कि वाई ग्रेटर देन वन हो, वाई ग्रेटर देन वन यानी कि वाई ग्रेटर देन वन ये वाली लाइन। ठीक है, अब कौन सा एरिया आ गया, ये वाला, इतना सॉरी ये वाला। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक्स लेस देन थ्री हो, एक्स लेस देन थ्री ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट में लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया थ्री, ये हो गया वन, ये हो गया माइनस फाइव, ये हो गया माइनस टू। ठीक है, ये बन गया। अब इन्होंने बोला है ये बन गया मेरा एस टू। अब एस वन का एरिया कौन सा, ये वाला। एस टू का एरिया होगा ये वाला। इन्होंने यूनियन पूछा है, ध्यान रखो यूनियन, टोटल एरिया पूछा है। सबसे पहले तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर की एक साइड कितनी है, देख लो कि यहां से लेके यहां तक ये सिंपल छह दिख रही है, और ये वाली साइड कितनी है, सॉरी रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बोल रहा हूँ, माइनस वन से थ्री, तो इसका एरिया होगा सिक्स इंटू फोर, 24। ठीक है, अब जो ट्रायंगल बन रही है इसकी, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स इजिकल टू थ्री है, एक्स इजिकल टू थ्री पुट करो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव। ठीक है, ये पॉइंट फाइव है और यहाँ पे वन है, तो इसकी ये साइड आ जाएगी फोर। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू थ्री है, यहाँ पे माइनस वन है, तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये भी फोर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एट। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया एट है, रेक्टेंगल का एट 24, तो 24 प्लस 8 32। ठीक है, ये आ जाएगा। बस ये ध्यान रखो, थोड़ा यूनियन मोस्टली जितने भी सम होते हैं थोड़ा पूछता है कि कॉमन एरिया क्या है, मतलब इंटरसेक्शन, बट यहाँ पे यूनियन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश कमजोर है, जैसे मेरी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट फिर भी देखते हैं उसको कितना कर सकते हैं, तो पेपर में अगर आएगी कुछ नहीं समझ आ रहा तो छोड़ना ही बनता है ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो इन्होंने क्या बोला, देखो, हेयर थ्रू आउट द अर्ली 1820 स्टुअर्ट कंटिन्यूड टू फाइट देयर लूजिंग बैटल टू अलाउ हिज स्क्वायर्स टू वेयर हिज देयर कास्ट मार्क्स एंड देयर ओन चॉइस ऑफ फेशियल हेयर ऑन परेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि 1820 में जो स्टुअर्ट है, ठीक है, उन्होंने कंटिन्यू अपनी जो ऑलरेडी हार चुके लड़ाई फिर भी लड़ रहे हैं ना, लूजिंग फाइटिंग फाइट हिज लूजिंग बैटल, ठीक है, जो उसकी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, टू अलाउ हिज स्पॉयज टू वेयर कास्ट मार्क्स, सिपाही, स्पॉयज मतलब सिपाही, तो सिपाहियों को कास्ट मार्क्स वेयर मतलब जो ऐसी चीजें पहने जिससे मतलब रिलीजियस चीजें, जिससे पता चले कि इस बंदे का ये रिलीजन है ना, अगर हम हिंदू में बात करें कि अगर तिलक लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर माला पहन रहे हैं, वो उनका कास्ट मार्क हो गया, या फिर अगर सिख में देखा जाए तो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, वो हो गया कास्ट मार्क, या कड़ा पहनते हैं, एंड देयर ओन चॉइस ऑफ फेशियल हेयर ऑन परेड, मतलब और मूछ और दाढ़ी अपनी चॉइस की परेड में रखना चाहें, ठीक है, उनको अलाउ करें, बीइंग अगेन रिप्रिमेंडेड बाय कमांडर इन चीफ, उस बट ये लड़ रहा है, बट उसको दोबारा कमांडर चीफ ने झाड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उसको वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। हिज रिटोर्ट दैट, उसका जो जवाब था कमांडर इन चीफ का, उसने मतलब गुस्से से जवाब दिया कि ए स्ट्रॉन्गर इंसिडेंस देन दिस ऑफ यूरोपियन प्रिजुडिस With relation to this country has never come under my observation. इसमें prejudice का meaning वही है कि कोई आपको आपके धर्म या फिर कास्ट या फिर जहाँ पे रहते हो ना, प्लेस के हिसाब से आपको डिसलाइक करे, है ना, कि बोलता है कि मैंने भी इतना वो देखा नहीं है, उसका ये मतलब था माई ऑब्जर्वेशन, कि मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं आया इतना जितना ये अभी सख्ताई है रूल्स की, ठीक है, एंड हैड नो इफेक्ट ऑन हिज सुपीरियर, मतलब उसके जो हैं सुपीरियर होते हैं सीनियर, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है उनका, कि उनको भी करना पड़ता है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज मोस्ट एक्यूरेट, तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि स्टुअर्ट्स कमांडर इन चीफ वाज मूव्ड बाय हिज डेमोंस्ट्रेशन ऑफ हिज प्रेजुडिस, तो इसका मतलब है कि जो स्टुअर्ट का कमांडर इन चीफ था मूव्ड, मतलब मान गया ना, थोड़ा ढीला पड़ गया, तो ये गलत है ना, उसने नहीं बोला। सेकेंड है, यूरोपियंस वर एकोमोडेटिंग ऑफ सिपॉयज टू डिजायर टू वेयर देयर कास्ट मार्क, ये गलत है, इन्होंने इसमें बोला है कि यूरोपियन जो है एकोमोडेट कर रहे थे सिपाहियों को कि अपने तुम जो भी पहनना है कास्ट मार्क वो पहनो, तो भी गलत है, अलाउ कर ही नहीं रहे थे, तभी तो लड़ रहे हैं। सेकेंड क्या है,
थर्ड क्या है, स्टुअर्ट्स लूजिंग बैटल रेफर टू हिज इनएबिलिटी टू सक्सीड इन एनेबलिंग द स्पॉयर्स टू वेयर कास्ट मार्क्स। ये सही है। देखो तो लूजिंग बैटल का मतलब क्या है, असली लड़ाई नहीं कि लड़ रहे हैं, बस जो इनका ये कास्ट मार्क्स और अपना फेशियल हेयर को अलाउ करवाने की लड़ाई है ना, तो रेफर टू हिज इनएबिलिटी, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं बस। ठीक है, ट्राई बहुत कर रहे हैं बट अवे भी इनेबल इनेबिलिटी टू सक्सीड। ठीक है, ये सही है। डी है कि द कमांडर इन चीफ वाज एक्सेम्प्ट फ्रॉम द यूरोपियन प्री जुडिस दैट डिक्टेट हाउ द स्पॉयर्स वर टू ड्रेस। इसका मतलब यह है कि जो कमांडर इन चीफ है उसको बाहर रखा गया है, मतलब उस पे एप्लीकेबल नहीं है ये सब चीजें कि आपको कास्ट मार्क नहीं पहनना है, फेशियल हेयर अपनी चॉइस के नहीं रखने हैं, ये भी गलत है। बिकॉज उसने बोला है ऐसा कि इतना स्ट्रॉन्ग जो है इंस्टेंस जो है इसका यूरोपियन प्रिजुडिस का मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर नहीं आया, और इसका सुपीरियर्स पे भी कोई वो नहीं है, उनको भी करना पड़ता है। ठीक है, तो बस वही है, इसमें मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल इंग्लिश है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो जो वर्ड है ना उसको जैसे रिप्रीमेंडेड मतलब तो उसको झाड़ लगा दिया, ये सब पढ़ के रखो, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द मिल्क लीड्स टू कर्ड फॉर्मेशन। मिनिमम बैक्टीरियल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 0.8 इज नीडेड टू फॉर्म द कर्ड। ठीक है, 0.8 हमें चाहिए दही बनाने के लिए। इन द ग्राफ बिलो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लैक्टो बैसिलस इन 1 लीटर ऑफ मिल्क इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, अलग अलग टाइम टेम्परेचर पे। जैसे ये वाला जो है उनकी ग्रोथ जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे है, ये वाली ग्रोथ जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द डेटा शोन अबव। द ग्रोथ इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टॉप्स अर्लियर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एज कम्पेयर टू 25। ठीक है, ये टाइम के साथ है ग्रोथ, 37 वाली लाइन ये है, तो 37 में अगर देखिए हम यहाँ पे जाके कुछ कॉन्स्टेंट सी हो गई है ना, अगर मैं देखूँ इसको मान लो चलो ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ पे, तो ये कौन से टाइम पे हुआ है, ऑलमोस्ट 130 मिनट पे। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि कांस्टेंट कब हुआ है, यहाँ पे एक कांस्टेंट हुआ है ना 160 के करीब, तो ये बात सही है कि 37 पे जल्दी कांस्टेंट हो गया जबकि यहाँ पे बाद में लेट कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, द टाइम टेकन फॉर कर्ड फॉर्मेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस द टाइम टेकन एट 37 डिग्री। ठीक है, कर्ड कब बनती है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी 0.8 हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 37 पे जो कर्ड बन रही है वो ऑलमोस्ट 90 मिनट में बन रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90 थोड़ा कम है, ऐसा कर लो। यहाँ ठीक है 80 और 90 के बीच में, और जो 25 पे सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है वो जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 120 और 100 30 के बीच में 125, तो ये हो गया 90 90 ले देता हूँ, ये हो गया 125, तो ये डबल नहीं है ना टाइम, है ना, ट्वाइस नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड गलत है, तो ओनली वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन है ना जिसकी इंग्लिश मेरी तरह अच्छी नहीं है, उसी में दिक्कत आएगी, और तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बट फिर भी ट्राई करो, अगर कोई भी मुश्किल क्वेश्चन भी दिखता है ना कि इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी नहीं है, ट्राई करो कि हो सकता है कि आधा क्वेश्चन समझने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाए, है ना, नहीं तो चलो जो चीज नहीं आती वो तो छोड़नी तो है ही, बट एक बार उसको पढ़ लो, अपना एफर्ट मार लो कि हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें समझ आके अपना ऑप्शन सही लग जाए। ठीक है, और फिर भी इस क्वेश्चन में किसी में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।